सो गाइस आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग 360 फोटो ले सकते हैं या फिर 360 वीडियो बना सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से, जो कि GoPro से भी बनाया जाता है। लेकिन वैसा स्टिल हम लोग वीडियो बनाना सिखाएंगे। कोई एक जगह गूगल मैप पे जैसे देखते हैं आप लोग कि एक जगह में फोटो को स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरा 360 व्यू आ रहा है, उस वीडियो को हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे। तो जल्दी से आज हम लोग इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को दो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक ऐप का नाम है स्ट्रीट व्यू, जो कि गूगल मैप का है, स्ट्रीट व्यू है, और एक है थीटा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देख पाए हो तो आप लोग समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। स्ट्रीट व्यू और एक थीटा, इन दोनों ऐप को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। पहले आप लोग स्ट्रीट व्यू ऐप को खोल लीजिए। स्ट्रीट व्यू ऐप को खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना। क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फोटोस्फीयर, तो फोटोस्फीयर में जाने के बाद आप लोगों का ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते रहिए। तो पहले आप लोग यहाँ पे फोटोस्फीयर को ओपन कर लीजिए, और इसके बाद आपको कहीं पे भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ोन को मूव करना है, यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है यहीं पे आपको ले जाना है फ़ोन को। ठीक ठाक से यहाँ पे पोजीशन कीजिए, फ़ोन को ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा, स्क्रीन में टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बाद आप लोग ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऐसे ही राइट साइड में मैं यहाँ पे करते रहता हूँ। आप लोग वैसे करते रहिए एकदम। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ कीजिए, यहाँ पे कोई भी टिक मार्क मत करना, अभी तक कहीं पे भी क्लिक मत करना, ऐसे ऊपर की तरफ भी आप लोग ऐसे कर लीजिए जैसे कि मैं नीचे की तरफ किया था। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर की तरफ एकदम फ़ोन को स्विच कीजिए, यहाँ पे डॉट आपको मिलेगा, वहाँ पर फिर से मैच कीजिए, ऑटोमेटिकली कैप्चर करते रहेगा। उसके बाद एकदम नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से कीजिए, मतलब जैसे पहले कर रहा था वैसे यहाँ पर पूरा कर लीजिए। ये होने के बाद नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ भी ये दो डॉट पे आप लोग आइए, फ़ोन ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। और ये होने के बाद आपको नीचे जो है टिक मार्क करना है, नीचे देख सकते टिक मार्क एकदम ग्रीन हो चुका है, वहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे मैं फ़ोन को इधर उधर घुमा रहा हूँ, देखिए पूरा अच्छी तरह से ये कैप्चर कर लिया है। तो टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में नीचे देख सकते प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर आप लोग क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ये आपका डाउनलोडिंग यहाँ पे ख़त्म होने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम देने के बाद ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे टैप करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इधर उधर, तो देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ ऐसा निकल के आया है। अभी हमें इसको एनिमेशन बनाना है, तो स्क्रीन पर फिर से टैप कीजिए, फिर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन बाद शेयर प्राइवेटली यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर आपका कुछ भी हो वहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी करना इंटरनल स्टोरेज या फिर एसडी कार्ड कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं DCIM में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी आप लोगों को खोलना है थीटा एप्लीकेशन, तो इसे आपको खोलने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे कुछ ऐड आएगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से मैं खोलता हूँ ये ऐप, तो ऐसे आपको भी करना है। तो ये खुल चुका है, यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ा लोड लेने के बाद ऑटोमेटिक दिखा देगा ये। तो मैं अपने फ़ोन पर स्विच करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मैं पहले से वीडियो बना के रखा था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, तो नीचे आपका फ़ोटो मिल जाएगा, तो इस फोटो में आप लोग क्लिक करना है। तो एडिट स्टिल इमेज करना है यहाँ पे, एडिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही लोडिंग ले लेता है यहाँ पे, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ़ोटो मिल जाएगा, यहाँ पे आपके फ़ोटो पोजीशन में बस ये फ़ोटो होगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ ऐसे फ़ोटो को, तो ये पूरा एकदम 360 फ़ोटो है। आप लोग ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं इस फ़ोटो को, और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। एनिमेशन का यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक एनिमेट कर लेगा, और यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाकर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही देख सकती है एनिमेशन ऑटोमेटिकली ले रहा है। यहाँ पे नीचे बहुत सारे एनिमेशन है, जो आपको पसंद है उसमें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप लोग इसका स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2x कर दिया मैंने यहाँ पे, और ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ मतलब बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, वहाँ पर आप लोग एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, देखिए एडिट यहाँ पर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना या फिर कुछ भी करना है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड एडिट आप लोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आप लोग वार्मनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे आप लोग कर सकते हैं। और आपका एडिट अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एडिटेड वीडियो दिख जाएगा कैसा यहाँ पे हो रहा है, और जो एनिमेशन आपको पसंद है उसी एनिमेशन में आप लोग एडिट करना, उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क करना। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर फिर से सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव, बस सेव करना है आपको। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, तो सेव हो गया, मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, मैं यहाँ पर स्किप कर दिया था। तो सेव टू गैलरी यहाँ पर करते हैं हम लोग, सेव गैलरी, ठीक है, सेव टू गैलरी ओके करते, तो यहाँ पे हो चुका है। और आप लोग इसको कहीं पे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर कहीं पे भी आप लोग इसको दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं प्रोफाइल में, और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं अपना वीडियो। तो जैसे ही देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये वीडियो क्रिएट हो चुका है।
दूसरा वीडियो दिखा था आपको, ये देखिए ये वाला नॉन एडिट था, इससे पहले मैं किया था और ये थोड़ा सा एक जगह ग्लिच हो गया था, इसलिए आप लोग नीचे फुटपाथ देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही ख़राब टाइप का दिख रहा है, इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत ग्लिच हो भी सकता है आपके साथ। तो ऐसे ही जो है कुल मिला के आपको एडिटिंग करना है। तो दोस्तों ये वाला ट्रिक मुझे नहीं पता था खुद से, मुझे एक भैया ने बताया था और उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। उनका चैनल बंगाली में, अगर आपको बंगाली समझ आता है तो उनका चैनल में व्लॉग देख सकते हैं आप लोग। और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर बताना, और जल्द मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो का एक लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और चलो बाय बाय।